Welcome to all the students. I am Kamal, an assistant professor in UK Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of UK. So today we are going to discuss on our session that is Aliasing. Okay? Multimedia का एक topic है. Aliasing एक term है जिसको हम लोग use करते हैं जब हम represent करते हैं एक picture को अपने screen पे. ठीक है, मान लीजिए आपके monitor की screen है. अब आपकी इस monitor की screen में सब क्या है, किससे मिलकर बनी है, pixels से मिलकर बनी है. ठीक है ना, अलग अलग pixels से मिलकर. ठीक है, तो एलियासिंग इफेक्ट में देखो क्या होता है. कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब हम बात करते हैं या मल्टी मीडिया में हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये पहली बात ये इफेक्ट आता कर है जब आपको कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो. ठीक है ना, जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाई रेजोल्यूशन से लो रेजोल्यूशन में, तो आपकी आपकी स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन से लो रेजोल्यूशन में जा रही है, तो उस जगह पर क्या है, ये इफेक्ट और ये प्रॉब्लम जो अकर कर रही है. ठीक है, मान लो ये आपके पास एक पिक्चर है, आपके पास एक सीधी लाइन है. ठीक है, नॉट इवन आपको कैलकुलेट नहीं करें एक स्ट्रेट लाइन को, बस आप ये देख लीजिए एक आपके पास हल्की सी टिल्टेड लाइन है, जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं. मान लो आपने कंसिडर कर लो एक हल्की सी टिल्टेड लाइन. ठीक है, तो जब आप उसको ये टिल्टेड लाइन जब आप उसको जूम करके आप देखते हो, तो आप देखते हो वो लाइन किस तरह से आ रही है, जेड फॉर्म में आ रही है ना, जेड फॉर्म में, zigzag इस तरह से फॉर्मेट में आपकी चल रही है. तो उसमें आपको लगेगा आपके दो पिक्सल यहाँ कवर हो रहे हैं, दो पिक्सल ऊपर जा रहे हैं, दो पिक्सल तीन पिक्सल और ऊपर जा रहे हैं. तो तब आप सोच सकते हो कि भाई ये लाइन किस तरह लिखी गई होगी, लाइन इस तरह से होगी, प्रिंटेड होगी, हल्की हल्की सी स्ट्रेट नहीं होगी. ठीक है, तो मतलब एलियासिंग में क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं तो ये क्या है, जब हम जूम करते हैं तो वो जो zigzag जो और हम लोगों के पास लाइन्स आती हैं, तो उसी चीज़ को आप लोगों ने, उस इफेक्ट को आप लोगों ने बोला एलियासिंग इफेक्ट. ठीक है, एलियासिंग इफेक्ट. सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स the process by which smooth curves and other lines become zigzag because the resolution of the graphics or device is not high enough to represent the smooth curve. ठीक है, तो ये मतलब क्यों हो रहा है, ये जेड लाइन हम लोगों के पास आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइस है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट कर सके. सो इन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स वी हैव सीन दैट ऑल द रेस्टराइज लोकेशन डू नॉट मैच विद द टू लाइन्स. ठीक है, मतलब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने एक छोटी सी मेरे पास एक लाइन है. ठीक है, अब जब इस लाइन को जैसे आप पेंट में जब ड्रॉ करते होंगे, तब आप मोस्टली नोटिस कर लेंगे, जब बच्चे थे जब हम लोगों ने काम किया था, आप पेंट में एक सीधी लाइन ड्रॉ करते थे, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो जाती थी, लेकिन जब आप उसको टिल्ट कर ड्रॉ करते थे तो zigzag फॉर्म में आती थी. वही चीज़ आपकी क्या है, एलाइजिंग इफेक्ट है. ठीक है, उसी चीज़ को आपको बोला एलाइजिंग इफेक्ट. तो है ना, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो एलाइजिंग इफेक्ट है, ये जो मॉल्स में स्क्रीन में आ रहा है, जिसकी वजह से ये जेड अपीयर हो रहा है, जो उसकी बाउंड्री जो ऑब्जेक्ट है वो जेड अपीयर हो रहा है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं. जब हम रिमूव करेंगे तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एंटीराइजिंग. ओके, सो एंड सो हम लोग कहाँ थे, डू नॉट मैच द ट्रू लाइन, वी हैव टू सेलेक्ट द ऑप्टिमम रेस्टर लोकेशन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हम अलग अलग जगह रिप्रेजेंट लेनी पड़ती है ताकि हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें. So this problem is solved with low resolution screen and in such screens appears like a stair step. यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन पे क्या प्रॉब्लम आती है, जेड लाइन आती है, तो यू zigzag फॉर्म में दिखेगी या फिर ये स्टेयर फेसिस के फॉर्म में दिखेगी, एज शोन इन फिगर ब्लॉक. ठीक है, जैसा हमने इस फिगर में देखा. सो इस इफेक्ट को आप लोगों ने बोला एलियासिंग इफेक्ट, एलियासिंग इफेक्ट. सो तो मतलब जो आप टिल्टेड लाइन जो बनाना चाह रहे हैं वो स्मूथ नहीं हो गए, ऐसी इस तरह से पिक्सल की फॉर्म में दिखती है, इस चीज़ को आप लोगों ने एलाइजिंग इफेक्ट बोला है, या तो zigzag फॉर्म टाइप में दिखेगी, जेड लाइन जिसे हमने बोला है, या फिर स्टेयरकेस के फॉर्म में दिखती है. ठीक है, तो उसको हम लोगों ने बोला एलाइजिंग इफेक्ट. इसको हम ये प्रॉब्लम है, इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करेंगे हम इसको, तब हम इसको बोलेंगे एंटीलाइजिंग, और इसके लिए हम कुछ मेथड्स हैं जो यूज करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माय टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड द क्वांटिटी मीन द एलाइजिंग इफेक्ट वेयर इट इज यूज एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेयरकेसेस और zigzag लाइंस. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एलाइजिंग इफेक्ट के बारे में. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई होप यू अंडरस्टैंड माई होल सेशन. लिखे वैली का मैंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस सेशन इज पार्ट बाय डिस्ट्रीब्यूशन टू कम जीरो जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी. थैंक यू.